नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की एक आवश्यक बैठक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित की गई। आपको बता दें, इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी और प्रदेश अध्यक्ष रवि दत्त जी की उपस्थित में कार्यकारिणी विस्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी का कार्यकर्ताओं और किसानों के द्वारा भव्य स्वागत समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के द्वारा प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को मोदी सरकार का सबसे बड़ा किसान विरोधी कदम बताया और जिसके विरोध में 17 फरवरी को किसान महासंघ के द्वारा देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी प्रदर्शन करने की भी बात कही गई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें शिवपुरी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री दयाल सिंह धाकड़ एवं बुंदेलखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भृगेन्द्र सिंह रघुवंशी को दी गई है। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौता मोदी सरकार का सबसे बड़ा किसान विरोधी कदम होगा और प्रस्तावित व्यापार समझौते के खिलाफ राष्ट्रीय किसान महासंघ 17 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहा है। हम देश के सभी किसानों से निवेदन करते हैं कि अपने जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर 17 फरवरी को अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की आवाज़ को बुलंद करें और ज्ञापन की कॉपी 1-2 दिन में आपको भेज दी जाएंगी। इस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी, जगजीत सिंह दल्लेवाल एवं हरपल चौधरी बिलारी, राष्ट्रीय संयोजक किसान महासंघ केवी बीजू एवं अभिमन्यु कोहाड़, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता सहित राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारी संख्या में किसान बंधु शामिल रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं द खबरदार न्यूज की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।